असल बहन भाइयों हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आईकॉन को भी ऑन कर लें मैं रहीम प्यारे बहन भाई उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे अल्लाह पाक आपको सेहत सलामती फरमाए अगर आप अपने अमल के लिए हमारे मदरसे में हाजिर होना चाहते हैं अमल सीखना चाहते हैं अमल के लिए आप अपने जैसे कोई प्यारा रूठ गया है नाराज़ हो गया उसके लिए अमल करना चाहते हैं तो फिर अपनी बहन को ज़रूर याद करें इन आपकी मदद की जाएगी आज जो अमल है बहुत प्यारा है अपने प्यारों में ना इतफाक़ी बहुत ज़्यादा होती है अपने प्यारों में ना इतफाक़ी बहुत ज़्यादा किसी का प्यार करने वाला चाहने वाला अगर वो रूट गया है लड़ाई की वजह से झगड़े की वजह से बिला वजह किसी बात से वो नाराज़ हो गया है ये अमल उनके लिए है अमल बहुत ख़ूबसूरत है सुर मुबारक का है सुर अखलास ग्यारह बार पहले एक तरीक़ा समझेंगे हम लेकिन तरीका समझने से पहले हमेशा की तरह मैंने आपको कहा है कि नबी पाक वसल्लम के नाम से शुरू करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया मैं इस शख्स को जन्नत के किनारों पर घर दिलवाऊँ और ज़मानत देता हूँ इस बात की जो झगड़ा छोड़ दे ख्वा वो हक पर ही क्यों ना हो बहुत सी ऐसी लड़ाई झगड़े होते हैं बहुत सी ऐसी परेशानियाँ होती हैं जिसमें हम हक पर भी होते हैं लेकिन माफ़ कर देने वाला बुलंद और अफसल है माफ़ करने वाला इसलिए बुलंद है कि अल्लाह का सच्चा बंदा मोमिन बंधा जो लड़ाई गलत बयानी गलत बातें सुनने के बावजूद भी वो उसको माफ़ करते इसी के साथ प्यारा सा ये अमल शुरू करते हैं इस अमल में ज़ुकते मुबारक कोई भी नहीं है वक्त इशा का ज़रूर रखिएगा क्योंकि इनके जो अमल के मौक़िल हैं ये इशा की नमाज के वक़्त इबादत में होते हैं तो फिर इशा की नमाज़ पढ़ लें तो फिर उसके बाद ये अमल कीजिएगा दिन मुबारक का ख़ास दिन है अब मुबारक का दिन का क्या हिसाब है ये भी ग़ौर से कभी कभी लोग बहुत गलत अमल कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि जुम्मा जुमे की रात वो जुमे की रात को समझ के हफ़्ते की रात का अमल कर रहे होते हैं हफ़्ते की रात को समझ के वो इतवार का अमल कर रहे होते हैं इस तरह ना ये ग़लती कर रहे होते हैं अब जुमेरत जमेरात ठीक है जुमेरात की जो मतलब कि जुमेरात की जो रात होती है ना मगरिब के बाद ठीक है मगरिब के बाद आप जब मगरिब स्टार्ट हुई तो जुमा शुरू हो गया जिस तरह बुध की रात हुई ठीक है बुध की रात जुमेरात की रात शुरू हो गई ठीक है अब मंगल की जो रात होगी ना मगरिब के बाद तो फिर क्या होगा बुध की रात शुरू हो जाए बारह बजे का कोई तल्लक नहीं है इसी तरह जब आप जुमे का अमल मैं आपको कहती हूँ तो जुमे रात की रात को शुरू करें तो जुमे का अमल कहलाएगा अगर जुमे की रात को शुरू करें फिर हफ्ते का अमल कहलाएगा याद रखिएगा ये बातें इसी जगह पर आप ज़्यादा गलती कर रहे होते हैं ये बातें आपको कभी कोई नहीं समझाएगा याद रखिएगा ये अमलियात की खास बातें हैं जो आपसे शेयर की जा रही हैं उम्मीद करूंगी आपको मेरी तमाम वीडियो अच्छी लग रही हो अल्लाह पाक इस चीज़ को कबूल करे मेरी काविश को भी और जितने भी आप परेशान हैं जितनी मुश्किल हालात में हैं जितनी भी तकलीफ़ में हैं आपका मसला हल हो जाए आमीन समीन अब सूर्य खलाश जब आपने पढ़नी है ग्यारह बार जुमे को रोदे पा ग्यारह बार ही पढ़ना है अव्ल आखिर ग्यारह बार पहले द्रोशी पढ़े ग्यारह बार सूर्य खलास पढ़े ग्यारह बार फिर द्रोशी पढ़े ग्यारह बार नमाज नमाज की पाबंदी ज़रूरी है अमल की तादाद ग्यारह बार अमल की तादाद ग्यारह बार याद रखिएगा बार बार क्या गलती ना हो दफ़ा ना पढ़ दीजिएगा बारह ना पढ़ दीजिएगा यह गलत हो जाएगा इस अमल को करने से पहले ईशा की नमाज पढ़ने पढ़ें पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद आप अपना तस्वुर कायम मजबूत रखिएगा यानी तस्वीर पर जब दम करना है ना तो तस्वूर होना बहुत जरूरी है दस मिनट तस्वीर को देखें तस्वुर कायम हो गया तस्वीर पर दम करें या तस्वूर में दम करें लेकिन तस्वुर में दम करना ज़्यादा मोतबर होता है ठीक है तो मैं आपको तस्वीर पे दम करना भी ना अगली वीडियो में सिखाऊंगी आप तस्वीर पे गलत दम कर रहे होते हैं ठीक है ये भी एक रास है अब ये चीज़ें आपको समझ आ गई ये नक्श आप अपने कब बनाना है जब ये तमाम अमल कर लेना आप ये नक्श बना के ना अपने तक के नीचे भी रख सकते हैं अपने बाजू पर बांध सकते हैं खातीन के लिए ये आसानी है कि नक्श बना कर, तो ये आप नक्श जो उन है वो अपने बालों में जनसा है वह लगा सकती हैं ठीक है थीके? ये एक बहुत प्यारा है और उम्मीद करूँगी आप इसकी कदर जानेगा बहुत आसान अगर अमल समझ नहीं आती तो ज़रूर अपनी बहन से रबता कीजिएगा मुझसे जहाँ तक हो सका मैं ज़रूर आपको समझाऊँगी इन हर बात आपको जो अमलियात में ख़ास हैं वो भी बताऊँगी अगर आप करवाना चाहते हैं अपनी बहन को याद कर सकते हैं इसी के साथ इजाज़त दें यह तमाम वीडियो मदरसा फातमा तहरा की तरफ से पेश की गई हैं जजाकल्ला वालेकुम प्यारे बहन भाइयों अगर आप इस्तिखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम आपकी वारदा का नाम सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तारा भी करवा सकते हैं जैसा कला और अगर आपने इस्तारा करवाना है तभी रहा करें अगर इस्खारा नहीं करवाना तो ये दीन है ये कोई फ़न या इंटरटेनमेंट नहीं है अपना भी टाइम ज़ाया ना, ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती जैसा कला